राम राम सा, नमस्कार। मैं राजेंद्र निवाणा और थे देख रहे हो राजू का सफरनामा। दोस्तों आज माँ के पिछाड़ी था ने देख रहे हो लो, एक माँ का गांव के पास में तालाब से और पिछाड़ी ने बेचा नारी थी और सावण को मैं नुझे, तो आज मैं माने दादो मिल गो। दादो माँ का गांव को ही से नाथू जी नाम से दादा को, और दादो सत्संगी आदमी से, बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बात जाने से, और साथ में सी जमन जी। तो आज मैं सारा जना बेट और इंडे ज्ञान की चर्चा करा ला। क्यों जमन जी? हाँ आज आपने एक बहुत सुंदर भजन सुना विला, किसान और बेल की एक कथा से बी को एक भजन बनायोड़ो से, तो बहुत ही प्यारो भजन से, थे भी सुनो। अरे यू रो रे बूढ़ा बैल मने मते बेचर पापी, अरे यू रो रे बूढ़ा बैल मने मते बेचर पापी, अरे बेचर पापी मने मत बेचर पापी, अरे यूं रो रे बूढ़ा बल मने मत बेचर पापी। अरे जिस दिन तेरे घराने आयो मने बहुत उम्मीदी लायो, जिस दिन तेरे घराने आयो मन में घनी उम्मीद लायो, अरे उसी दन बाज रही टाली रे, उसी दन बाज रही टाली, अरे यूं रो रो बूढ़ो बैल मन मत बेचर पापी, अरे बेचर पापी मन मत बेचर पापी, अरे यूं रो रो बूढ़ो बैल मन मत बेचर पापी। अरे मन साड लागत जोया तेरा अल्ड अड़ावा बोया, मन साड लागत जोया तेरा अल्ड अड़ावा बोया, अरे उसी दन चाल रही डांफी रे, उसी दन चाल रही डांफी, अरे यूं रो रो बूढ़ो बैल मने मत बेचर पापी, रे बेचर पापी मने मत बेचर पापी, अरे यूं रो रो बूढ़ो बैल मने मत बेचर पापी। आयन दन खूब वया नाडी में, अनदन खूब वया नाडी में, जिस दिन चाल रया गाड़ी में, अनदन खूब वया नाडी में, जिस दिन चाल रया गाड़ी, अरे उसी दन चाल रही आंधी रे, उसी दन चाल रही आंधी, अरे यूं रो रो बूढ़ो बैल मने मत बेचर पापी, रे बेचर पापी मने मत बेचर पापी, अरे यूं रो रो बूढ़ो बैल मने मत बेचर पापी, अरे जिस दिन बेचण की तू ध्याई मन में गौत गणो दुख पाई, जिस दिन बेचण की मन में ध्याई जिस दिन बेचण के त्यों जाए मन में बहुत गणो दुख पाई, सात का कर अच्छे दो कारे, सात का कर अच्छे दो कार, यूं रो रो बूढ़ो बैल मने मत बेचर पापी, रे बेचर पापी मने मत बेचर पापी, अरे यूं रो रो मने मत बेचर पापी। हरिचंद रूप चंद खत गावे, हरिचंद रूप चंद खत गावे, अपना रोथक जिला बतावे, अरे नरक में जासी रे पापी रे, नरक में जासी रे पापी, अरे यूं रो रो बूढ़ो बैल मने मत बेचर पापी। ये है साहब, तो मैं कहीं समझाया बूढ़ा बैल का, बूढ़ा बैल को यह है कि जैसे काश्तकार बैल लाता है अपने काम के लिए, जोतने के लिए,
तो जब वो आता है ना, जब अच्छे से अच्छा देख के लाता है, अच्छा से अच्छा देख के लाता है, तो उस जो जो पशु आता है ना जानवर, तो उसकी उम्मीद में खूब खुशी होती है, खुशी होती है उसके। तो ये होती है कि अपना नया घर मिल गया, और उसको ये होती है कि अपने नए बैल ले आया। जब उसको साढ़ जो बरसता है ना, उस टाइम पे उसको जोता जाता है। तो वो कह रहा है कि जिस दिन साढ़ लाख तो जोया तेरा अड़ाड़ा हो बोया भाई, मेरे को तैयार जो किया था ना तेरे खेत को, उस दिन देख क्या हालत थी मेरी, उस दिन लाया था उस दिन क्या हालत थी मेरी, आज क्या हालत है इसको देख तू, है जिस दिन डांपी चल रही थी मैं चल रहा था, है और तू आज जो तेरा अड़ाड़ावा जो बोया है ना, उसमें धन माल खूब तेरे को प्राप्त हुआ। उसके दिन जब लेने गया तू, है जब आंधी चल रही थी उस टाइम पे मैं गाड़ी में चल रहा था, उस टाइम पे तू माल को जब खेत से उठा रहा था, जब उस टाइम में गाड़ी में चल रहा था, उस टाइम तेरे को माल को भर भर के ला रहा था, उस टाइम में आंधी चल रही थी, तो तूने ये नहीं सोचा कितनी इसमें परेशानी आ रही है, और आज तू इसको मेरे को बेचने के लिए जा रहा है। जब बुढ़ापा आ गया और उसको बेचने की मन में ठान ली, या उसकी आत्मा रो दी, बेल की आत्मा रो रही है, कत्तो संभालियो और कत्तो बेल की नहीं जो और बढ़िया बनाया है। आज जो छे जो अपनी संगत में आ हो रही है, दुर्गति हो रही है, जज बताई थे कि बेचवा की जाएगी, जज की आत्मा दुख पाई, आत्मा की दुख पाई, मतलब बूढ़ा आदमी आटे आदमी, हाँ भाई एक ही कहानी है, एक ही कहानी है, कभी समझा बाटे आया, ये उदाहरण के तौर बैल को रूप दियो, बैल को रूप दियो, आदमी भी यही करे, उदाहरण के तौर पे ये, और बाकी जो आदमी भी यही करता है, यही होता है उसकी जवाने में, खूब काम करे जे, खूब करे जे, पर जब बूढ़ो हो जाए ना, बिना आपतिया बोझ समझे जे बिका बेटा पोता, बोझ वजन हो जाए उसको, जैसे बैल में जब वजन हो गया ना, बूढ़ा हो गया, जब आखिरी में जब बूढ़ाता आता है ना इसका, है ना, जब ये कह दो बोल लेंगे ये तबीयत खराब कर, बस उसकी अक्ल खराब होगी, अक्ल खराब होगी। दादा तो बहुत जोरदार बात बताई, मतलब अच्छी ज्ञान की बात है। तो दोस्तों था ना वो वीडियो का शौक लागे हो, अगर अच्छो लागे हो तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कर जो, ते देखता रहो राजू का सफरनामा। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।